हेलो स्टूडेंट, आइए जैसा कि हमने इसकी पहले वाली वीडियो में सेट के बारे में पढ़ा था, तो सेट होते क्या है? तो सेट उसे कहते हैं जिसमें एक ग्रुप बना हुआ हो पर उसे हम सुपरिभाषित मतलब सही ढंग से परिभाषा के रूप में डेफिनेशन के फॉर्म में शो कर सके, तब वो हमारा सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमने कहा कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का समूह, हमारे इंडिया के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका समूह, उनका एक ग्रुप। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी तक जब से हमारा देश आजाद हुआ था तब से अब तक में कुछ सिलेक्टेड राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होंगे, इसलिए हम उनका आसानी से एक समुच्चय बना सकते हैं और उनको हम एज ए डेफिनेशन भी शो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें उन्हीं लोगों के नाम अवेलेबल होंगे जो पूर्व भूतपूर्व राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी और का नाम उसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे भारत के सभी राज्यों का समूह। तो जैसे कि हम बात करें कि हमारे भारत में जो राज्य हैं वो सिलेक्टेड है, ठीक है, जो हमारे स्टेट्स हैं वो सिलेक्टेड है, तो अगर उनकी बात करें तो वो हम उनका एक ग्रुप बना सकते हैं जिसे हम सेट्स कहेंगे। पर अगर हम ये एग्जांपल लें कि पालतू पशुओं का समूह मतलब कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल, तो जैसे कि हम बात करते हैं पालतू पशुओं के अंदर बहुत सारे तरह के जानवर आते हैं, एनिमल्स आते हैं, अब उनको हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उनको हम सबको इन्वॉल्व करते हैं तो वह ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, पर वो सेट नहीं हो सकता। पर अगर हम ये कहें कि सभी पालतू गायें, तो गायों में, काऊ में, जो भी नस्लें हैं, अलग अलग तरह की ब्रीड हैं, उनका हम एक सेट बना सकते हैं, पर पेट एनिमल के रूप में हम सभी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होगा, सेट नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा, वो क्या होगा, केवल ग्रुप होगा, समूह होगा, ठीक है। ऐसे ही हम एग्जांपल एक और लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में महानतम व्यक्तियों का समूह। अब जैसे कि हम बात करें हमारे पूरे वर्ल्ड में हर फील्ड में अलग अलग महान व्यक्ति है, ठीक है, ग्रेट पीपल है, तो क्या हम उनका ग्रुप बना सकते हैं? तो हाँ, हम ग्रुप तो बना सकते हैं उनका, पर वो हर फील्ड से अलग अलग रिलेटेड होंगे तो उनको हम सेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उनको सेट करना है तो हमको कुछ एक टॉपिक लेना पड़ेगा कि एजुकेशन से रिलेटेड, और एजुकेशन फील्ड में भी ऐसी कोई एक फील्ड फिक्स करनी पड़ेगी कि मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो इस तरह से अगर हम चाहें तो उनका हमारा सेट बन सकता है। पर अगर हम चाहें कि केवल हम ग्रेट पर्सन को ले लें, है ना, तो हम ऐसा उसका ग्रुप बना सकते हैं पर वो सेट नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा डाउट क्लियर हो गया कि जिसमें हम केवल ग्रुप बना सकते हैं पर उनके अंदर बहुत सारे तरह की फील्ड अवेलेबल होती है, अलग अलग टाइप के उसमें फील्ड होती है, इसलिए हम उसको ग्रुप कहते हैं, उनको हम सेट नहीं कहते हैं। और सेट क्या होते हैं? सेट वो चीज होती है जिसमें किसी भी एक टॉपिक को पूरा डिफाइन किया गया हो, परिभाषित किया गया हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। आइए अब हमारा दूसरा टॉपिक लेते हैं, तो इसमें दे रखा है रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना है। अब ये साइन दिख रहा है, ये साइन को हम बोलते हैं बिलोंग करना। जैसे हम अगर हमसे कोई हमसे पूछता है कि आप कहां के रहने वाले हो या आप कहां से बिलोंग करते हो, तो आप क्या कहेंगे, खाचरोद से, ठीक है,
या आप जहां से भी बिलोंग करते हो, जहां के रहने वाले हो, वहां का बताएंगे। तो ऐसे जो साइन है उसको कहते हैं बिलोंग करना। और यही साइन एज इट इज है पर उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक ग्रुप दिया है, सेट दिया हुआ है। ये क्या है? हमारा सेट इंटीजर्स का, जिसकी लिमिट कहां से कहां तक है। देखो, जैसे हम बात करें इंटीजर्स की, पूर्णांक की, तो पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, पर अब वो सभी क्या है, वो भी सेट है ना, पर वो इनफाइनाइट सेट है। इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, एक सेट है जो माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, मतलब इन कुछ नंबर्स का ही एक सेट है। ठीक है, इसके अंदर इंटीजर्स हैं जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि क्या ये बिलोंग करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सेट है उसका नाम क्या है, ए नाम है इसका। ठीक है, अब अगर ए नाम है तो हमको बताना है कि क्या वो उसमें उससे बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हम ये साइन लगा देंगे, और नहीं करते हैं तो हम ये साइन लगा देंगे। तो आइए देखते हैं, हम पहला नंबर लेते हैं फाइव। तो देखिए इसमें फाइव दिख रहा है, तो हम देखेंगे फाइव दो जगह है। अब हम सिर्फ कंपेरिजन करेंगे कि ये माइनस का है, ये माइनस का नहीं है, पर यहां पर प्लस का है। तो क्या है, ए में है, तो हम क्या कह देंगे कि हाँ फाइव जो है वो बिलोंग करता है ए से। अब हम बात करें कि वन अपॉन टू, तो यूं हम नॉर्मल टर्म में देखें तो हमको बताया कि वन अपॉन टू जीरो और वन के बीच में होता है। ठीक है, पर यहां पर क्या लिखा हुआ है, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। जो हमको क्लियर हमारे सेट में दिख रहा है उसी को हम लेंगे, अदरवाइज हम उसको क्या कहेंगे, तो बिलोंग नहीं करता है। देखेंगे हम वन अपॉन टू कहेंगे क्या, यहां पर नहीं है। अब नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये बिलोंग नहीं करता है। अब तीसरा देखते हैं हम माइनस का टेन। तो माइनस टेन में देखिए यहां पर माइनस टेन दिख रहा है, नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह बिलोंग नहीं करता है। अब देखते हैं माइनस का थ्री। तो देखेंगे माइनस का थ्री हमारे पास यहां पर है, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ये बिलोंग करता है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो गया कि हाँ ये बिलोंग करता है या नहीं करता है। अब आपकी जो अगली एक्सरसाइज है वन बी, उसका टॉपिक लेते हैं। तो इस टॉपिक है हमारा, ये है समुच्चय का निर्माण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा इसी के अपोजिट होता है सारणीबद्ध रूप या टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। अब सारणीबद्ध रूप के दो नाम है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो पहले हम ये थोड़ा इजी है इसको समझते हैं ये, क्योंकि हमने बताया था अभी कि जैसे कि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट, मतलब इस रूप से हम इस रूप को बना सकते हैं और इस रूप से हम इसको बना सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है एक सेट ए इक्वल एक्स रेशो सेट एक्स पूर्णांक है। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, और अब उसकी फाउंडेशन उसने दी है कि क्योंकि हमको टेबुलर फॉर्म को, रोस्टर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय का निर्माण, इस रूप में हमको उसको बदलना है। तो उसकी फाउंडेशन दी है, उसने कहा है कि माइनस थ्री, उसके बाद यहां पर ऐसा साइन दिया गया है। अब ये साइन जो होता है, हम नॉर्मली बात करें तो ये साइन क्या बिलोंग करता है कि जिधर इनके दोनों फेस जुड़े हुए हैं इधर छोटा होता है, और जिधर दोनों खुले हुए हैं वो बड़ा होता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसको दो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप के दो साइन होते हैं, इसको कहते हैं छोटे के लिए और इसको कहते हैं बड़े के लिए, मतलब ये लेस देन और ये ग्रेटर देन। ठीक है, बट जब इस लाइन के नीचे एक लाइन और हम लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये लेस देन तो है पर साथ में इक्वल भी है, मतलब बराबर भी है, मतलब लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तो ये साइन दिया हुआ है, मतलब अगर हम बात करें कि हमने कह दिया कि थ्री, तो ये क्या है, यहां जो भी नंबर होगा वो या तो थ्री से बड़ा होगा या थ्री के बराबर होगा।
ठीक है, मतलब बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। मतलब यहां जो 3 है, अगर हम इस x की बात करें तो x क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है जो क्या होगा 3 के बराबर भी होगा, मतलब 3 भी होगा ठीक है, और उससे बड़ा भी होगा। उससे बड़े में क्या आता है ठीक है, तो उससे बड़े में हमारे पास आता है 4, 5, 6, 7, ऐसे जहां तक हमको लिमिट दी जाती है वहां तक हम उसको लेते हैं। तो देखते हैं अब हम इसको, हमको कहा गया है -3 और साथ में साइन दिया है, इस साइन का मतलब क्या होता है कि ये -3 जो है वो छोटा है और बराबर भी है, मतलब बराबर है तो हमको कंपलसरी हो गया कि हमको -3 तो लेना ही है। अब -3 लेना है, अब उससे बड़े और नंबर, तो जैसे कि हम जानते हैं सभी कि -3 से बड़ा क्या होता है, तो -3 से बड़ा होता है -2, उससे बड़ा होता है -1, उससे बड़ा होता है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप कहेंगे सर आपने 7 क्यों नहीं लिया, तो 7 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके नीचे यहां जैसा इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब ये जो x है वो 7 से छोटा है और 7 से छोटा क्या होता है 6, तो हमने देखा यहां पर 6 तो ले लिया हमने ठीक है। तो इस तरह से हमारा यह आंसर कंप्लीट होता है। तो ये इसके फॉर्म है, जब आपको कोई फॉर्म इस तरह से दी जाए और कहे कि आपको सारणीबद्ध रूप या टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि वो एक सेट है। हाँ, सेट का नाम आप आपकी मर्जी से ए भी कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर वो नाम नहीं देगा ठीक है। अगर नाम दे देता है तो वही नाम आपको यहां पर देना है और साथ में लिखना है एक्स सबसेट, एक्स पूर्णांक है या इंटीजर है। अब एक एग्जांपल हम इसका और लेंगे ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, आइए स्टूडेंट। तो अब हमने हमारा अगर एक एग्जांपल लिया, हमने क्या लिया, हमने समुच्चय का निर्माण फॉर्म ले लिया, जैसे कि हमने पहले ये लिया था तो हमने इससे ये फॉर्म बनाया था ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम समुच्चय का निर्माण सेट मीटर फॉर्म ले लेते हैं, इससे हमको क्या करना है सारणीबद्ध रूप या टेबुलर और रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर नंबर दिया हुआ क्या है, तो हम देखेंगे 3, 6, 9 और 12। अब 3, 6, 9 और 12 जो है हम जानते हैं कि 3 के पहाड़े में 3 की टेबल में आता है, तो अब इसका हमको क्या करना है रोस्टर फॉर्म बनाना है, सारणीबद्ध रूप बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि यहां पर कोई हमारे सेट का नाम दिया हुआ नहीं है तो हम वही मान लेंगे ए, कोष्टक लगाएंगे, फिर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। अब जैसे कि अभी हमने बताया था कि ये 3 का पहाड़ा है ठीक है, मतलब 3 का गुणांक है, 3, 3 × 6, 3 × 9 और 3 × 12। तो हम लिख देंगे हिंदी में कि एक्स सच दैट एक्स 3 का गुणांक है, या इंग्लिश में कहें तो मल्टीपल ऑफ 3, एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 3। अब इतना तो क्लियर हो गया कि हाँ ये 3 का गुणांक है। अब 3 का गुणांक है तो अब आगे क्या है, तो हम कहेंगे एंड तथा। अब जैसे कि 3 का गुणांक है क्लियर हो गया, अब आगे नंबर भी है, तो आगे नंबर तो जैसे कि हमने देखा था क्या मानते थे हम एक्स, तो हम लिखेंगे एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल, मतलब एक्स जो है वो छोटा भी है और बराबर भी है। अब देखेंगे किसके बराबर और छोटा है, तो 12 के तो बराबर है और 12 से सभी ये छोटे हैं, तो हम ये लिख देंगे 12 और कोष्ठक बंद कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ये 12 के बराबर है और 12 से छोटे भी है और क्या है 3 के मल्टीपल है ठीक है, गुणांक है। तो इस तरह से हम एक रूप से दूसरे रूप में और दूसरे रूप से पहले रूप में मान निकाल सकते हैं ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी अगली मेथड देखेंगे इसमें, आइए स्टूडेंट अब हम हमारा अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक का नाम है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, हिंदी में कहें तो
परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब जैसे कि जानते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फाइनाइट मतलब वो चीज होती है जो एक टाइम के बाद खत्म मतलब रुक जाती है, ठीक है, और इनफाइनाइट ऐसा नंबर होता है जो कभी रुकता नहीं है, अनंत तक चलता रहता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो जैसे कि हम पहले सेट की बात करें तो हम देखेंगे कि 1, 2, 3 ऐसे डिजिट्स में कहां तक आ गया है, 100 तक। ठीक है, अब 100 तक आ गया है। अब क्या 100 के बाद और आगे कुछ है? यूं तो देखा जाए तो 100 के बाद बहुत सारे नंबर होते हैं, पर क्या इस सेट में आगे कहीं दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए हैं। इस सेट को उसने यहीं पर क्लोज कर दिया है। अब क्लोज कर दिया है इसका मतलब क्या हो गया? ये परिमित हो गया, फाइनाइट हो गया। तो क्या हो गया? ये हमारा फाइनाइट या परिमित। ठीक है, अब जैसे हम दूसरे की बात करते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि फाइनाइट में क्या होता है, परिमित में उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक बाउंडेशन होती है, और अपरिमित मतलब इनफाइनाइट में उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे कि देखते हैं दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में जैसे कि ऊपर जैसा कंडीशन दी गई है, पर यहां देखें तो यहां कोई नंबर नहीं दिया गया है। ठीक है, अब नंबर नहीं दिया गया मतलब ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। इसकी कोई सीमा नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगा। अब अगर खत्म नहीं होगा तो उसको क्या कह देंगे हम? इनफाइनाइट या अपरिमित। ठीक है, अब किसी भी बात करते हैं सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सेट ऑफ डे इन अ वीक, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह के दिनों के अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और जैसे ही 7वां दिन खत्म होता है ऐसे ही अगले दिन वापस से पहला वाला स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसकी फाउंडेशन रहती है, 7 दिन का फिक्स रहता है, उसमें 8वां दिन कभी इंक्लूड नहीं होता। तो इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये फाइनाइट है मतलब परिमित है। ऐसे ही अंकों का समुच्चय, सेट ऑफ नंबर्स। अब सेट ऑफ नंबर्स मतलब क्या? जैसे कि हम जानते हैं कि अंक बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है, पर क्या अंक के अंदर कभी ABCD या XYZ या कोई और टर्म इंक्लूड होती है? नहीं होती है। अंक का ग्रुप एक सेट अपने आप में सेव होता है, भले वो अनंत तक जाता हो। ठीक है, तो जब अगर हम ये बात करेंगे तो हम कह देंगे जब उसके समुच्चय कहा है उसने, जैसे कि आप कहोगे सर ऊपर तो उसने समुच्चय बोला ही, ठीक है, तो यहां नहीं बोला है इसलिए हम उसको इनफाइनाइट, क्योंकि उसने यहां पर देश देश दे दिया है। अगर वो देश ही देते हुए अगर ये इतने तक अनंत तो हम मान लेते कि हाँ ये कंडीशन अप्लाई हो सकती थी। ठीक है, पर अगर अनंत दे देता, अनंत की बजाय अगर कोई नंबर दे देता तो हम उसको क्या कह देते कि हाँ वो फाइनाइट है, परिमित है, पर यहां उसको कोई अंक नहीं दिया है मतलब उसकी सीमा नहीं है। ऐसे उसने बोला अंकों का समुच्चय, मतलब हम अंकों के अलग अलग समुच्चय बना सकते हैं, फिर बोलोगे वो धनात्मक हो, वो ऋणात्मक हो या कोई भी टर्म हो तो हम बना सकते होंगे, इसलिए हम उसको कह देंगे कि ये क्या है? फाइनाइट है मतलब परिमित है। अब जैसे कि हम ये खत्म होने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है उप समुच्चय, जिसको हम सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सबसेट। सबसेट मतलब इसको दर्शाने का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, सबसेट को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे कि हम बात करें कि हमारा एक सेट है AB, इसके सबसेट बनाना है। सबसेट मतलब क्या? इसके छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप बना देना। जैसे कि हम बात करें कि हमारे प्रधानमंत्री है, ठीक है, या अगर हम हमारे स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल में क्या होता है? प्रिंसिपल सर है, ठीक है, प्रिंसिपल सर के नीचे टीचर स्टाफ है, तो जैसे कि न्यू पूरा कहा जाए तो वो क्या है? स्कूल है। स्कूल के अंदर अलग अलग सेक्शन है, प्रिंसिपल सर अलग है, टीचर्स अलग है ना, स्टूडेंट्स अलग है, और अगर फैक्टर करना हो तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स में गर्ल्स अलग है, बॉयज अलग है, ठीक है, उसके अलावा टीचर्स में लेडीज स्टाफ अलग है, जेंट्स स्टाफ अलग है। तो इस तरह से हम बहुत सारे उसके फैक्टर अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो जैसे कि हम इसकी बात करें तो इसके ग्रुप क्या बन सकता है कि इसमें ए अकेला हो सकता है, इसमें बी अकेला हो सकता है, और ए और बी दोनों साथ भी हो सकते हैं। अब जब ये 3 ग्रुप तो बन गए, ठीक है, इसके अलावा एक चीज और होती है, ठीक है, वो क्या होती है? उसको हम बोलते हैं फाइल। क्या बोलते हैं इसको? फाइल। ठीक है, ये जो फाइल होती है वो हर ग्रुप में अवेलेबल
होती है, वो दिखाई नहीं देती और ना ही लिखी जाती है, पर वो हर रूप में होती है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें उपसमुच्चय, तो ये था हमारा समुच्चय था, समुच्चय से हमने ये हमारे उपसमुच्चय बना लिए। ठीक है, ऐसे ही यहां पर दो दिया हुआ है, अब दो है तो दो को, दो तो सेम अपने आप में होता ही है और साथ में एक और क्या होता है फाइव। ठीक है, ऐसे हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में एक अकेला हो सकता है, तीन अकेला हो सकता है, ऐसे ही पांच अकेला हो सकता है, फिर एक और तीन हो सकते हैं, इसके बाद एक और पांच हो सकते हैं, फिर तीन और पांच हो सकते हैं, इसके बाद एक तीन और पांच हो सकते हैं, और लास्ट में क्या होता है फाइव। तो इस तरह से हमने क्या किया कि समुच्चय से उपसमुच्चय बना लिए, मतलब सेट से सबसेट बना लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 इनके सवाल आप आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो उनके आप सवाल आप करें आपकी बुक में देखकर। ठीक है स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।